नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों के जबरदस्त विरोध के बाद बीजेपी ने अपने प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है, जबकि नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया गया है। खाड़ी देशों के विरोध के बाद कतर में भारत के राजदूत ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने बयान जारी कर कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रकट नहीं करती है और ऐसे विचार शरारती तत्वों के हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हमारी सभ्यता की विरासत और मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। बता दें, दीपक मित्तल को कतर के विदेश मंत्रालय ने बुलाया था और कहा था कि भारत सरकार पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी की तुरंत निंदा करे और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। बता दें कि कतर के साथ ही कुवैत, ईरान और सऊदी अरब ने भी इस टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी नूपुर शर्मा मामले को लेकर रविवार को भारतीय राजदूत को तलब किया और आधिकारिक तौर पर अपना विरोध जताया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणियों को अपमानजनक बताया है। बीजेपी प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयान को लेकर कतर के सहायक विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर आधिकारिक और व्यवस्थित तरीके से इससे नहीं निपटा गया तो भारत में इस्लाम के खिलाफ संगठित तरीके से फैलाई जा रही नफरत को दुनिया के 2 अरब आबादी का जानबूझकर किया जा रहा अपमान माना जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का विरोध करने का सिलसिला ओमान के मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली के द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने ट्वीट कर इसका विरोध जताते हुए कहा था कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने इस्लाम के दूत के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी की है। ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, यह ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में उठना चाहिए। अल खलीली के बयान के बाद अरब देशों में भारत का विरोध देखने को मिला, जिसे लेकर बीजेपी ने बाद में सफाई दी और अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खाड़ी देशों के विरोध के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है, गलती बीजेपी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगते। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज पीएम मोदी को उनके राजधर्म का कतर और कुवैत द्वारा याद दिलाया जा रहा है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। एक पीएम और उनकी पार्टी ने हमारा सिर झुका दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान के मूल्यों को सदैव आदर करता है। बीजेपी वाले नहीं करते हैं तो वो माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि पीएम अगर सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों और भक्तों को चुप करा देते, टीवी एंकरों को जहर घोलने से रुकवा देते तो आज हमारा सिर नहीं झुकता। उन्होंने कहा कि आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी वजह से देशवासियों का सिर झुका है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ताओं की टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राव, जिन्हें केटीआर के नाम से भी जाना जाता है, ने सवाल किया है कि एक देश के रूप में भारत को बीजेपी के कट्टरपंथियों के नफरत भरे भाषणों के लिए माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को घर पर भारतीयों से दिन प्रतिदिन नफरत फैलाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राव ने कहा, यह भाजपा है जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में भारत को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। कानपुर हिंसा में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी मुसलमान हैं। इस सिलसिले में पथराव के जो वीडियो सामने आए थे उनमें साफ दिखा था कि दोनों समुदाय एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। वीडियो के सबूत काफी अहम है और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कहा कि अगर हिंसा होती है तो 2 पक्ष होते हैं। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दूसरा पक्ष जो अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार है उसे छोड़ दिया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कहा कि FIR में नामजद सभी 36 लोग एक समुदाय से थे। अन्य समुदाय के सदस्यों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है या उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने रविवार को कहा कि हिंसा में कथित तौर पर हिस्सा लेने वालों की तस्वीरों वाले 50 होर्डिंग कई इलाकों में लगाए जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोगों की तस्वीरों वाले होर्डिंग जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाई जाएगी। कमिश्नर मीणा के मुताबिक जल्द ही तस्वीरों की होर्डिंग कानपुर नगर में आने वाले 6 पुलिस स्टेशन के इलाकों में लगाई जाएंगी। मीणा ने कहा कि हम तस्वीरों को जुटाने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें हर जगह डिस्प्ले के लिए लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो कड़ा संदेश देना चाहते हैं। बता दें, बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कानपुर में हिंसा भड़क उठी थी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। बिहार के पूर्व CM ने लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया। लालू यादव ने कहा कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है।
मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा और हम जीतेंगे। लालू यादव ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। वो इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस बीच उन्होंने आज एक रिक्शे वाले का वीडियो ट्वीट किया है, जिसके रिक्शे पर लिखा है कि वो CTET पास है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए वरुण ने लिखा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर दुख होता है जब एक कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार का अवसर नहीं मिलता है। जब देश में 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, तब CTET पास ये नौजवान रिक्शा चलाने को मजबूर है। ये हमारी संसद की संयुक्त असफलता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जैन के खिलाफ कार्रवाई कोलकाता स्थित एक कंपनी के साथ हवाला लेन देन के मामले में की गई है। बता दें, ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को ही गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो 9 जून तक हिरासत में है। एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने कहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से होगा। एक जनसभा में बोलते हुए धनंजय मुंडे ने यह कहा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सामाजिक न्याय विभाग उनके प्रयासों के कारण प्रतिष्ठित हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर कल ये सवाल उठता है कि सामाजिक न्याय विभाग किसे सौंपे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एनसीपी का ही होगा। बता दें, एनसीपी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में प्रमुख सहयोगी है, जिसने पिछले महीने ही सत्ता में 2.5 साल पूरे किए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।